अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को सिर्फ दो दिन ही शेष बचे हैं। इसे लेकर राजनीतिक दलों का अलग अलग मत सामने आया है। कोई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का गवाह बनने के लिए तैयार है तो कोई इसका विरोध कर रहा है। इस बीच AIIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक के कालाबुरागी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद में मुसलमानों ने 500 सालों तक नमाज पढ़ी। जब कांग्रेस के जीबी पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उस दौरान मस्जिद के अंदर रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थी। मेरी मस्जिद है और रहेगी। बाद में मस्जिद के अंदर से मूर्तियां नहीं निकाली गई और फिर वहां के कलेक्टर के नायर ने मस्जिद बंद करा के वहां पूजा शुरू करा दी। AIIMIM के चीफ ओवैसी ने कहा कि जब विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ था तब राम मंदिर की चर्चा नहीं थी। महात्मा गांधी ने कभी भी राम मंदिर को लेकर कुछ भी उल्लेख नहीं किया। भारतीय मुसलमानों के हाथों से बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बाबरी मस्जिद छीन ली गई। अगर जीबी पंत ने उसी वक्त मूर्तियों को हटा दिया होता तो 1992 में मस्जिद ध्वस्त नहीं होती। ओवैसी ने बताया कि इंडिया गठबंधन में शामिल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर मंगलवार को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कराएंगे। वे बहुसंख्या समुदाय के लोगों को साधने में व्यस्त है लेकिन इस बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा। आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस समारोह में दुनिया भर से मेहमान आएंगे।